उमरिया जिले के बड़छड़ में बोरवेल में गिरे 3 साल के मासूम बच्चे गौरव द्विवेदी को बचाने के लिए NDRF के रेस्क्यू ऑपरेशन में 18 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 25 फरवरी की सुबह 4 बजे रेस्क्यू टीम को सफलता मिली। टीम ने बोरवेल के समानांतर 28 फीट का गड्ढा बनाने के बाद टनल बनाकर मासूम को बाहर निकाला, जिसके बाद गौरव को लाइफ सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही ले जाया गया, जहां जांच पश्चात चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल जॉन, दिनेश चंद्र सागर, कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव एवं SP प्रमोद सिन्हा के साथ स्वास्थ्य जिला एवं पुलिस प्रशासन मौके पर डटा रहा। बरही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक ने बताया कि गौरव की मौत बोरवेल में गिरने के 5-6 घंटे के भीतर ही हो गई थी। चूंकि गौरव बोरवेल में सर के बल गिरा था, इसलिए बोरवेल में भरे पानी में डूबने के बाद भी गौरव जीवन और मौत के बीच लगातार 10 घंटे तक संघर्ष करता रहा और आखिरकार जिंदगी की जंग हार गया। उमरिया से नीरज सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट।